I've fallen in love with I Love. I love. Él bole, wow. युधिष्ठिर की जय, सम्राट युधिष्ठिर की जय, सम्राट युधिष्ठिर की जय, सम्राट युधिष्ठिर की जय, सम्राट युधिष्ठिर की जय। ओम आपो हिष्ठा मयो भुव तान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे यो वः शिव तमो रसस् तस्य भाजयते हना उशतीरिव मातर तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वध आपो जन यथाचन स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सबसे पहले मैं हस्तिनापुर को सादर प्रणाम करता हूं जिसने मुझे अपना राजा स्वीकार किया है। फिर मैं अपने पूर्वजों को सादर प्रणाम करता हूं और उन्हें वचन देता हूं कि मैं हस्तिनापुर और उसके लिए इस राज सिंहासन की रक्षा करूंगा। फिर मैं वासुदेव कृष्ण को सादर प्रणाम करता हूं और उन्हें यह वचन देता हूं कि मैं न्याय और अन्याय में अंतर करने का प्रयत्न करूंगा और एक समाज सेवक की भांति अपना सारा समय मानव कल्याण के कार्यों में व्यतीत करूंगा। मैं उन्हीं को साक्षी मानकर जन समुदाय को यह अधिकार देता हूं कि यदि वो ये देखें कि मैं अपने हितों को उनके हितों पर अधिमान दे रहा हूं तो वे मुझसे ये कह दें कि मैं इस राज सिंहासन के योग्य नहीं हूं। फिर मैं इन रिक्त स्थानों को सादर प्रणाम करता हूं। इनमें से कोई स्थान पितामह जैसे महापुरुष का है, कोई आचार्य द्रोण जैसे गुरु का और कोई अंगराज कर्ण जैसी महान आत्मा का। इस राज्यसभा में ये स्थान हमें ये याद दिलाते रहने के लिए सदैव रिक्त रहेंगे कि इस युद्ध में हमने क्या खोया है। ज्ञान और निष्ठा के मूल्यों की परिभाषा खोई है हमने और नवीन परिभाषाएं बनाने में ना जाने कितने दिन, कितने वर्ष और कितने युग लग जाएंगे। इस युद्ध ने अतीत से हमारा नाता तोड़ दिया है और वर्तमान के लिए यह बड़े घाटे की बात है। इसलिए मैं काका श्री महात्मा विदुर से यह प्रार्थना करता हूं कि वे इस राज्यसभा में अतीत का प्रतिनिधित्व करें।
मैं उन्हें अतीत से निकलकर वर्तमान में आने के लिए आमंत्रित करता हूं और उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं। अनुज भीम युवराज होंगे। अनुज अर्जुन सीमाओं की रक्षा का दायित्व संभालेंगे। प्रिय नकुल और सहदेव मेरे प्रधान अंगरक्षक होंगे। अंत में मैं ज्येष्ठ पिता श्री कुरु शिरोमणि श्री धृतराष्ट्र के चरण स्पर्श करता हूं और उनके चरण स्पर्श के पश्चात ही कहता हूं कि वे केवल मेरे ज्येष्ठ पिताश्री ही नहीं, वे मेरे गुरु भी हैं। नीति का एक अध्याय मैंने उनसे भी पढ़ा है। मेरे हृदय में कोई कड़वाहट नहीं और आज मैं ये घोषित करता हूं कि हस्तिनापुर में कड़वाहटों का युग समाप्त हुआ। राजा का कर्तव्य है कि वो भविष्य की ओर देखे, क्योंकि जन समुदाय को लेकर उसे भविष्य ही की ओर जाना है। यदि कोई राजा अपना सारा समय अतीत को कड़वाहटों की तुला पर तोलने में गंवा देगा तो वो राजा देश के लिए दृष्टांत नहीं हो सकता। हस्तिनापुर और हमारे प्रजाजनों ने बड़ी से बड़ी कठिनाइयां देखी हैं, उन्हें भोगा है। अब उनका अधिकार है कि वे सुख और समृद्धि का स्वाद चखें, एक नए युग की स्थापना करें। किंतु यह तभी संभव है जब हस्तिनापुर का प्रत्येक नागरिक ये सोचे कि उसने देश के लिए क्या किया है, उसे देश के लिए क्या करना चाहिए, किंतु ये कभी ना सोचे कि देश ने उसके लिए क्या किया है। क्योंकि राजा देश के लिए होता है, प्रजा देश के लिए होती है, किंतु देश राजा या प्रजा के लिए नहीं होता। राज तिलक यह धर्म का नया सुखद वरदान होगा अब इस देश में नव युग का निर्माण, नव युग का